वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही अहम पार्ट है, जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और ये बयान करता है कि किस तरीके से, किस वक्त या कहाँ काम हुआ है। ये जुबान को ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना देता है। एडवर्ब का सही इस्तेमाल करना सेंटेंस को क्लियर और प्रिसाइज बना देता है। कुछ एडवर्ब की एग्जाम्पल यूजेज और इम्पोर्टेंट्स आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल ये हैं: क्विकली, हैप्पीली, रियली, सम टाइम, हेयर और देयर वगैरह। यूजेज की बात करूँ तो एडवर्ब को सेंटेंसेस में यूज़ करने से सेंटेंसेस में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पर, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसमें एडवर्ब ब्यूटीफुली सिंगर की वॉइस को डिस्क्राइब करता है। आई विल गो टू द मार्केट टूमोरो। इसमें एडवर्ब टूमोरो बयान करता है कि किस दिन मार्केट जाना है। इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो एडवर्ब के सही इस्तेमाल से जुबान के एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सेंटेंसेज में इमोशंस, एक्शंस और सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने में आसानी होती है। एडवर्ब के सही इस्तेमाल से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दूसरों तक अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं। इन शॉर्ट, एडवर्ब का सही तरीके से इस्तेमाल आपकी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव कर सकता है। ये सेंटेंसेस को प्रिसाइज और क्लियर बनाता है और कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव बना देता है। आई होप सो आपको एडवर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब।